ब्रॉट टू यू बाय इन्फिनिक्स। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है। 25 सितंबर को पार्टी ने 39 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की। 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को अब विधायकी लड़ना पड़ेगा। यही नहीं, पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी अब विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर नजर आएंगे। आज जब मीडिया ने कैलाश विजयवर्गीय से पूछा कि क्या उन्हें पार्टी से इस फैसले की उम्मीद थी, तो उनका जवाब क्या था, आप भी सुनिए। कैलाश जी, प्रत्याशित था क्या आपको खुद चौंका देने वाले नतीजे लगे, या फिर प्रत्याशित था आपके लिए इस तरीके था? तो अप्रत्याशित, और मैं मानसिक रूप से तैयार भी नहीं था, और पार्टी का आदेश जो था उसको तो मानना ही पड़ता, और पार्टी का आदेश है तो कोई दमदारी से जो हम बंगाल में लड़ सकते हैं तो यहाँ तो क्या। अब कह रहे हैं चेहरा बदलने की कवायद है ये, क्योंकि बड़े बड़े नाम एक जो ढाल है बीजेपी के, उनको मध्य प्रदेश वापस लाया गया दिल्ली से। अब ये इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता कुछ भी आपको, पर इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत से बनेगी, और प्रदेश में भी बनेगी, और केंद्र में भी 24 के चुनाव में 29 की 29 सीट हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। कैलाश विजयवर्गीय तो साफ कह रहे हैं कि न सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव में बल्कि 24 के चुनाव में भी मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी का कमल खिलेगा। लेकिन बीजेपी के कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि पार्टी अब मनमानी करने लगी है। बीजेपी ने सतना विधानसभा से सांसद गणेश सिंह को प्रत्याशी बनाया। नतीजा, बीजेपी नेता रत्नाकर चतुर्वेदी बागी तेवर दिखाने लगे। टिकट न मिलने से नाराज रत्नाकर चतुर्वेदी अब बीजेपी पर मनमानी करने का आरोप लगा रहे हैं, साथ ही निर्दलीय मैदान में उतरने की धमकी भी दे रहे हैं। सुनिए। नारदन से पूछना चाहता हूँ कि जब कोरोना का समय था तब पर भी तो ये नेता यहीं थे, क्या कोई नेता अपने घर से बाहर निकलता था? क्या कोई नेता अपने माँ बाप बेटे को छोड़कर बाहर निकलता था? मैं अपनी वाहवाही नहीं बता रहा, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह में कौन किसकी मदद करे। पार्टी आज आप देख रहे हैं कि मनमानी कर रही है। क्या सांसद जी कोरोना के समय नहीं निकल सकते थे? कोरोना के समय भी तो वो मदद कर सकते थे, लेकिन कोई भी बड़ा नेता शहर में नहीं दिखा। समान आदमी, समान परिवार के आदमी कोरोना में मदद किए, गरीबों की मदद किए, और आज उसका फल मुझे पार्टी ने बहुत अच्छा दिया। मैं पार्टी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं सतना विधानसभा की जनता की ताकत बनकर और उनसे चर्चा करके और उनसे आदेश लेके, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि सतना की जनता मुझे आशीर्वाद देगी, तो मैं निश्चित निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। बाकी गणेश भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा। बोलिए गणेश भगवान की जय। उधर सीधी से सांसद रीति पाठक को विधानसभा चुनाव का टिकट मिलने के बाद बीजेपी नेता राजेश मिश्रा ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। राजेश मिश्रा ने ट्वीट कर लिखा, हम जैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी को कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं पार्टी में बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। बीजेपी मध्य प्रदेश में हो रही इन अपडेट्स पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हमारी नज़र बनी हुई है, जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी भानु कुमार झा ने। मेरा नाम है सोनल। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।